हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टू वे स्विच की वायरिंग करना सिखाऊंगा। इस वीडियो की मदद से आप ऐसे सीखेंगे जिसे आप कभी नहीं भूल सकते। देखिए, हमारे वीडियो में यहाँ पर दिख रहा है आपको दो स्विच हैं। इस हर एक स्विच में जो है तीन टर्मिनल होते हैं, एक ऊपर का, एक मिडल का और एक नीचे का। तो जैसे हम इन स्विच को कैसे कनेक्शन करना है आपको वीडियो में दिख रहा होगा। मैंने यहाँ पर ऊपर के कनेक्शन जो है उनमें डायरेक्टली वायर से कनेक्ट कर दिया हूँ। वैसे ही जो डायरेक्टली नीचे का है उसे भी वायर से डायरेक्टली कनेक्ट कर देना रहता है। अब जो बचे हैं मिडल के कनेक्शन, यही सबसे मेन होते हैं। हमें जो है मिडल में जो हमारा स्विच वन है उसमें फेस दे देना है और हमारा काम स्विच वन का ख़त्म हो गया। अब स्विच टू से हमें जो है फेज वायर जो हमारी इधर निकलेंगी सेंटर से मिडल कनेक्शन से, वो हमारी जाएंगी होल्डर बल्ब तक। ये हो गया हमारा टू वे स्विच कनेक्शन के अंदर हमें कैसे करना है। और न्यूट्रल जो है हमारी डायरेक्टली बल्ब से कनेक्टेड होती है, न्यूट्रल से डायरेक्ट न्यूट्रल। तो होप आप ये कनेक्शन डायग्राम बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। इसका जो है वर्किंग ऑपरेशन बहुत ही सिंपल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। पहले स्विच की पोजीशन चेंज करेंगे, देखिए, और अब दूसरे स्विच की पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें कितने केसेस हो सकते हैं। देखिए, अभी हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, दोनों की पोजीशन हमने अप कर दी ऊपर वाले टर्मिनल से, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ और हमारा जो लाइट है वो ग्लो हो जाएगा। अब मैं कोई भी स्विच को जो है ऑपरेट करूँ तो मैं दोनों तरफ से इनको लाइट को ऑफ कर सकता हूँ। जैसे मैंने स्विच टू की दूसरी जगह से लोकेशन चेंज की तो देखिए हमारा सर्किट जो है ब्रेक हो गया है और हमारा लाइट जो है वो बंद हो गया है। अब स्विच वन में हम जैसे वापस आ गए हैं तो स्विच वन की पोजीशन हम चेंज करते हैं, देखिए हमारा सर्किट फिर से कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल कनेक्शन होता है, आपको दूसरी वीडियोज़ में लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं। तो ऐसे ही सिंप्लीफाई वीडियोस देखने के लिए फिर से मैं कह रहा हूँ आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।